तो भैया बीज की अंकुरण क्षमता जांच कैसे करें? जैसे को अपनो ये गाँव चना की बोनी को समय है, अक्टूबर को महीनों चली रही हो अपनो, तो है नहीं कुआर कार्तिक महीना में अपन गाँव चना की बोनी करा, तो अभी सीजन गाँव चना को है। हाँ। तो अपन कहिए कि गाँव चना की जी अंकुरण की जो उगने की क्षमता है वह जांच करांगे। तो अभी अपना पास जो देसी जो कांटा और चनो है, हाँ। नहीं इके अपनो घर को बीज हमारा क्या है, हाँ। इनमें से हमने हमें से अपन ने इस तरह से अंदर से मुट्ठी भर ली, हाँ। तो पूरे बीज को अपनो जो है आई जानी चाहिए मात्रा। तो अपन ऊपर से भर लांगा तो कहीं है कि ऊपर ऊपर वाला नीचे वालों रह जाएगा, इसलिए कहीं अपने इस तरह से मुट्ठी भर लाना है। जो भैया तुमने अभी दाना निकाला उनको क्या करेंगे? अभी गिना नहीं अपने, एक दो तीन चार पाँच 45, 46, 47, 48, 49, 50, 50। ये अपना 50 दाना है। हाँ, अपन ने 50 दाना इकलिए लिया है, हाँ? कि 50 दाना में से अपना 40 से 45 दाना निकलना चाहिए, निकलना चाहिए तो अपना बीज अच्छो है। अच्छा, अगर भैया अगर मती 50 मती 20 या 30 निकले तो? अगर अपने 50 में से दाना में से 30 या 35 दाना निकले, हाँ? तो फिर अपने 5 किलो बीज बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाना पड़ेगा मतलब जैसे अपने एक बीघा में कहीं चना कितना डाला, 20 किलो डाला, हाँ, 20, हाँ। और अपना दाना निकले 40 से 45 दाना निकले तो 20 किलो ही रखना है, हाँ। और अगर अपना 30 से 35 दाना निकले, हाँ। तो अपने 5 किलो बीज बढ़ाना पड़ेगा, तो 25 किलो बीज बोना पड़ेगा। 25 किलो तो एक बीघा में 20 की जगह 25 करना, 25 किलो करना पड़ेगा अपने, है ना? और अगर 20 से दाना से भी कम निकले तो फिर अपना बीज खराब है, जो बोने काबिल बीज नहीं है, तो फिर अपने बीज बदलना है। अभी अपन दाना कसा खेत में डालांगा, चलो अब कही है कि जो अपनी वो दाना डालने के लिए ऐसे, हाँ। लाइन खींच लो अपन, अपनी जो खेत है ये, हाँ। घर का आसपास हमें 5 लाइन खींच लो, 5 ही लाइन में 10-10 दाना डाल दो अपन, मतलब 1, 2, 3, 4, 5 तो डाल दो, 10-10 मतलब 5 लाइन में 10-10 दाना डाला, हाँ, तो ये 50 दाना हो जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो भैया अपने अब दाना डाल दिया, आप अब दाना डाल दिया नहीं तो अपने थोड़ी थोड़ी इनका ऊपर इस तरह मट्टी डालते रहना अपने, मट्टी मतलब पचा ढकांगा, हाँ, तो ढकांगा कि थोड़ा दानो दबी जाए। अगर मान लो अपन ने यहाँ से यूं दबाई दी तो दानो दबी जाएगा, इसका लिए अपन थोड़ी थोड़ी आई साइड की मट्टी उठे उठे ना हल्के से ढक दिया, मतलब मिट्टी, हाँ, नहीं? इस तरह से होगी। भैया अब दाने डाल दिए और मिट्टी भी डाल दी, आप क्या करेंगे? अब दाने भी डाल दिए और मिट्टी भी डाल दी, इसमें अपनों को हल्का हल्का थोड़ा पानी डालना है, पानी डालना है, इस तरह से थोड़ा थोड़ा मतलब। थोड़ा थोड़ा कि अपने जमीन की नमी हो जाए, क्योंकि जब अपन बोनी करा, हाँ। उना समय बोनी उनी समय करा, जबकि अपनी जमीन में पर्याप्त, हाँ। मात्रा में नमी आई जाए, हाँ। तो इनमें भी अपने नमी बनानी है थोड़ी, कि जिससे बीज के निकलने में आसानी हो जाए। भैया अपना पानी डाल देगा, कितना दिन में देखेंगे अपन ने? अपना जो दाणो है, हाँ? 4 दिन में दाणो लगभग जमीन से अपने बाहर आई जाए, है ना? लेकिन एक रोज अपने एक एक दिन में देखना है, आसोने की मुर्गी दाणो चुगी जाए, हाँ। या कहीं खाई जाए, इसलिए की देख रेख तो करना है, लेकिन 4 दिन तक में अपना दाणो ऊपर आई जाए जमीन से। जमीन तो भैया बीच में पानी वानी डाल लो कि डालना? अगर अपने लगे की मैं सूखी गयो है, हाँ। और ऊपर वाली टोर बंदी रही है, हाँ। तो हमें थोड़ा थोड़ा हल्को पानी डाल दो, तो दाणो आराम से आसानी से बाहर निकले। बाहर निकले।